आखिर में मैं दुआ की तलब की तवज्जो दिलानी चाहता हूँ। सबसे पहले तो फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए दुआ करें जिन पर आजकल बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, और उनको अपने इलाकों में ही जाने के लिए मस्जिद में, मस्जिद अक्सा में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत है, जो दिए नहीं जाते, जिसे उनको रोका जाता है। और जो नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो वहाँ ज़बरदस्ती उन पर जुल्म किया गया, उनको मारा गया हुकूमती एहलकारों की तरफ से, उनको जुल्म का निशाना बनना पड़ा। फिर इसी तरह उनको जो शेख जर्राह उनका मोहल्ला है, एक छोटी सी वादी है, वहाँ से उनको ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, उनके अपना जगह है। इस पर अब मीडिया ने बहुत सारा लिखना शुरू कर दिया, बल्कि इसराइल के अपने अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया, उनके मीडिया ने भी लिखना शुरू किया बाज़ जगह पे जो इंसाफ पसंद हैं। और पुलिस आंसू गैस और गोलियां बरसा रही है लोगों पे, बल्कि एयर स्ट्राइक भी की हैं, इसलिए कि यहाँ दुश्मन छुपे हुए हैं उनको हम मार रहे हैं, लेकिन हकीकत में जुल्म किया जा रहा है और अवाम उन्नास को मारा जा रहा है। फिर यह है कि जो ज़ख्मी होते हैं उनको, सुना यह है, प्रेस की ये रिपोर्ट है बाज़ जगह की, कि इसराइली पुलिस ने तिब्बी खेमों तक भी नहीं उनको पहुँचने दे रही, मेडिकल एड से भी उनको महरूम किया जा रहा है। तो बहरहाल मस्जिद अक्सा में जो जुल्म हुआ मैंने बताया, अल्लाह ताला इन मज़लूमों पर रहम और फजल फरमाए और ज़ालिमों की पकड़ करे। जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका है, कहने को बड़े इंसाफ पसंद हैं, लेकिन 9 बच्चों के कत्ल पे कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, कोई हमदर्दी का इजहार नहीं किया, जो तब जब तक ये 9 थे, अब तो और भी ज़्यादा हो चुके हैं। फिर ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने भी लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के हवाले से कि इसराइल और मकबूजा इलाकों में फ़िलिस्तीनियों पर इसराइल यहूदियों को फोकियत देता है। इंसाफ तो है ही नहीं, तो ज़ाहिर है फोकियत देनी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी यही है कि बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है फ़िलिस्तीनियों पर। इसराइली कौमी अखबार है हेरिट्स, वो लिखता है कि यरूशलेम उबल रहा है, दमिश्क गेट पर रुकावटें खड़ी करना एक इश्तियाल अंगेज धमकाना कदम था, जिसने शेख जर्राह मोहल्ला में सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों के घरों से बेदखल होने के पस मंज़र में रमज़ान मुबारक के मुकद्दस मौके पर रिहाइशों को परेशान कर दिया। फिर हेरिट्स भी यही लिखता है कि अजीब बात है कि इंसाफ का अनोखा विघन है जिसका इतलाक़ इस असूल पर किया जाता है कि जो मेरा है वो हमेशा के लिए मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी हमेशा के लिए मेरा है। इसी तरह उनसे फ़िलिस्तीनियों के हुकूक छीने जा रहे हैं। अल्लाह ताला बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए, और ये ईद की खुशियाँ उनके लिए तो गमों का पहाड़ लेकर आई हैं। अल्लाह ताला उनके गमों को खुशियों में तब्दील करे, उनको सुकून की ज़िंदगी मैसर हो, उनकी लीडरशिप भी ऐसी अच्छी मिले जो उनकी सही रहनुमाई करने वाली हो, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होकर अपना किरदार अदा करें, तो फ़िलिस्तीनियों को और जो और दूसरी जगह मुस्लिम मुसलमान हैं जहाँ भी हैं उनको जुल्मों से बचा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा भी इकट्ठी नहीं होती, मुस्लिम ममालिक को जो रद्दमल दिखाना चाहिए था उस ज़ोर से नहीं दिखाया जा रहा, एक हल्के फुल्के बयान दे देते हैं, हालाँकि बड़ा इकट्ठा अगर एक मुश्तरका बयान होता तो उसमें हमें ताकत होती। तो बहरहाल अल्लाह ताला मुसलमानों की लीडरशिप को भी अकल दे और इसराइलियों को भी अकल दे कि वो जुल्म ना करें, फ़िलिस्तीनियों को भी जो बग़ैर लीडरशिप के
अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला इस लिहाज से भी अकल दे कि वो अगर उनकी तरफ से कोई जुल्म है तो अव्वल तो नहीं है, वो मज़लूम है। अगर वो डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ तोपों का इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, तो कोई नस्बत ही नहीं है ताकत के तवाज़ुन की। बस बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है फ़िलिस्तीनियों के लिए, अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर करे और उनके लिए आज़ादी के सामान पैदा करे, और जो पहले माहदे के तहत इब्तदाई माहदे के तहत जो उनकी जगह मैसर हैं वो उन पर उनको मिली रहें और उस पर कायम रहें। इसी तरह तमाम दुनिया के मज़लूम अहमदियों के लिए भी दुआएँ करें जिनको सख्तियाँ की जा रही हैं पाकिस्तान में या अलजायर में या किसी भी मुल्क में, अल्लाह ताला उनको भी मुखालफीन के और अगर हुकूमती करिंदे हैं तो उनके शर से महफूज रखे। दुनिया के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमाए, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। अमूमी तौर पर दुनिया में ज़ुल्म के खात्मे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इस दुनिया से ज़ुल्म का खात्मा करे और खुदा ताला को पहचानने वाले ये लोग हो जाएँ। आजकल जो वबा फैली हुई है इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इस वबा से भी जल्द निजात दे और वहीं दोबारा वो ऐसे हालात पैदा हों जहाँ अमन हो और दोबारा नॉर्मल हालात पे दुनिया आ जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब दुनिया वाले खुदा ताला को पहचानेंगे, अल्लाह का हक अदा करने वाले बनेंगे और उसके बंदों का हक अदा करने वाले बनेंगे। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।